वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब दे विच पिछले कई दिनों तो एक मसला सोशल मीडिया ते लगातार वायरल हो रहा है ते सारे वीर भरा पोस्टां पा रहे ने और चंगी गल है, अवेयरनैस होनी चाहिए है। वह मसला है पंजाब दे विच आए प्रवासियों का, जां सीधे सीधे शब्दों च कह लिए जिन्हों आपां भइए कह दिंदे आ जां साडे भइए कह दिंदे ने। हुण जोर इस गल ते लग्गिया होया है वी इन्हां नूं पंजाब दे विचों कढ़िया जावे, पर मैं गल्लां कुछ अजिहियां करन लग्गिया जिन्हां नाल तुहानूं दर्द तां जरूर होएगा, शायद तुसीं इह वी कहो वी शायद कितें साडी खिलाफत हो रही है, पर एक गल जरूर सुन लिओ जी वी जिहड़ी फसल कोई बीजदा है उह फसल उहनूं वढ़नी पैंदी है। ते जे अज पंजाब दे विचों तुसीं जिस गल ते जोर ला रहे हो कि भइए जिहड़े ने उह कढ़ने ने, मैं नहीं कहिंदा इह गल माड़ी है, पर यह काम सौखा नहीं, यह बहुत औखा है, ये जड़ा बहुत मजबूत कर चुके ने। किवें? सब तो पहला पंजाब दे विच जदों भइए हुंदे सी ना ते उह झोना लाउण हुंदे सी ते जदों झोना वापस चले जांदे सी झोना तैयार हो जांदा सी फिर जीरी उह वढ़न आउंदे सी, वढ के झाड़ के वापस फिर चले जांदे सी। उत्थों शुरुआत हुंदी है घर दे विच सीरी लाउण दी वी, असीं फिर जिहड़े साडे पिंडां दे विच वीर भरा सीरी रलदे सी असीं उहनां नूं छड्ड के सस्ते पैण लग गए ते खाने वी चावल, असीं कहा वी चलो आह सीरी रख लीए। सीरी रखदिआं रखदिआं की होया, ट्रैक्टर सिखाता चल भी, क्योंकि सुख भालदे सीगे सुख चाहीदा, ट्रैक्टर सिखे, ट्रैक्टरां दी ड्राइवरी तों उहनां ट्रक्कां दी ड्राइवरियां सिख लईआं ते ट्रक्कां दी ड्राइवरियां तों यूनियनां बना लईआं ते अपने ट्रक अपने ट्रांसपोर्टां बना लईआं। फिर वापस आओ, जदों सीरी लाए ते वेख लिया वी घर दे विच साडियां भैणां साडियां बीबियां भैणां दा निकम्मे वाला काम होया पिआ, काम करना घटाता, परिवारां दे परिवार बुला ले अपने, बच्चे बुला ले अपने, ते जनानियां फिर चाह पोचा करन लग गईआं ते फिर नाले रामू जिथे घर दा काम करदा उत्थे रामू दी चाह वी सब नूं पसंद आउण लग गई ते फिर झाड़ू पोचा करना सफाइयां करनियां, साडियां भैणां वी वेहलियां हो के बह गईआं, असीं सुख दे विच आ गए, जड़ां लाईआं। उस तों बाद अगे चलते हैं, जदों फिर इलैक्शन होंगे ने सरपंची दे पिंडां दे विच, ये गल कौड़ी जरूर है पर असी अपने हथी ये कंडे बीजे ने, अपने हथी इन्हां कंडियां नूं सानूं हुण वढ़ना पैणा है। तो जिस वेले सरपंची दीआं वोटां आईआं तो पिंड दे विच वेख्या सरदार ने भी 25-30 साडे जिहड़े ने पूरबी ये काम करदे ने भइए काम करदे ने, इन्हां नूं ऐं करिए हुण वोटां बना लईए, अपनी वोटां बना के सानूं वोटां पाणगे आपां जित जांगे, लओ जी आपां वोटां बना दित्तियां। ओह हो गए इत्थों दे पक्के वसनीक, आपां सिर्फ सरपंची दे लालच नूं आपां अपणियां जड़ां दे विच तेल पा लिया, आपां सरपंची दा जित गए, पर इह नहीं सी पता आउण वाले दिनां दे विच इही भइए साडे पिंडां दे सरपंच बण के बहि जाणगे और बण के बहि गए, MLA तक बन के बह गए, इलैक्शन लड़ रहे ने भइए पंजाब दे विच। ते फिर गल करदे आ रेहड़ियां दी, इह रेहड़ियां लगियां नहीं इह लगवाईयां ने आपां, क्यों मैनूं इक गल दा जवाब दिओ, जिथे जाओ 100-150 तुहानूं भइया रेहड़ी ला के लाया होया मिलेगा कि उहदे पैरलर तुहानूं 50 बंदे वी, जे 100 भइए खड़े ने कि 50 बंदे सरदार फरूटां दी रेहड़ी लाई विखणगे कि 50, जे 100 बंदा कुल्फी वेच रहा कि 50 सरदार बंदे कुल्फी दी रेहड़ियां लगे हुए ने, जे 100 बंदा शिकंजमी वेच रहा लैमन वाली कि 50 सरदार बंदे जिहड़े ने ओह शिकंजमी लैमन दी रेहड़ी लगियां होणगियां। आपां कंपैरिजन करदे हां कि होया है, जे एक पासे वीर एक रेहड़ी पूरे शहर च सरदार दी लग गई ते सारे बंदिआं ने स्पैशल उस सरदार कोलों नहीं जाणा, भी सारा शहर घूम के एक सरदार दे कोलों फरूट लै के आओ, किसी किसी की भावना हो सकती है, किसी किसी का मन की सोच हो सकती है भी मैं जाके लैके आवां, पर एक दिन दो दिन बाद फिर फीलिंग उही हो जाती है। सो इस करके सानू आ फैक्ट्रियां ने, फैक्ट्रियां की गल कर लिए तो फैक्ट्रियां दे विच 90% जिहड़ी आ इन्हां लेबर काम करदे की आ चावल खाने ने, बस खर्चा कोई है नहीं। सो इस करके जे इन्हां नूं असीं कढ़न दीआं गल्लां करदे हाँ तो सानू शर्म चक के, शर्म नहीं होनी चाहिए गोल गप्पें दी रेहड़ी लाउण दी, सानू शर्म नहीं होनी चाहिए फ्रूट वेचण दी, सानू शर्म नहीं होनी चाहिए शिकंजमी वाली रेहड़ी लाउण दी, सानू शर्म नहीं होनी चाहिए घर घर जाके भइए मंडियां दे विच इही भइए सब्जी चकदे ने 4 रुपए किलो ते जाके पिंडां दे विच रेहड़ी इलाके वेचदे ने, इही भइए
ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਲਸੇਲ ਮੰਡੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ 4 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਜਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸਾ ਪੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੇ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਲਝ ਗਏ। ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਤੋਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।